पहली बात तो ये कि हमारी हम देखें कि अमेरिका में हिंदू समाज के ऊपर बहुत अटैक होता है, हिंदू विचारों पे बहुत अटैक होता है, हिंदू दर्शन पे बहुत अटैक होता है। ये हिंदुओं के ऊपर इतना अटैक क्यों होता है ये सोचना चाहिए। हम तो अब तो कट कट के सप्त सिंधु देश का एक भाग था, सात नदियां थी, फिर पांच आब हो गया, पांच रह गई, आजकल तो तीन आब है, तीन ही रह गए, सतलुज ब्यास और रावी, तो सप्त सिंधु कहाँ रह गया। तो देश तो कट कट के छोटा हो गया, फिर भी हम जो बचे खुचे भी हैं उसपे भी इतना अटैक क्यों होता है। उसका कारण ये है कि हमारी संस्कृति अनूठी संस्कृति, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो डोमिनेंट सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, जिसको आप वेस्टर्न क्रिश्चियनिज्म कहें, क्रिश्चियन कहें, जिसमें बेसिकली जो एब्राहमिक है, दुनिया में दो ही संस्कृतियां हैं बस, एक है एब्राहमिक और दूसरी ज्ञान की, दूसरी क्यों ज्ञान विचार जो मूल में है, दूसरी संस्कृति है वैदिक। तो ये दो संस्कृतियों का टकराव है, बड़ा मूल टकराव है। वो एक ईश्वरवादी है, हम बहु ईश्वरवादी हैं, वो उनका ईश्वर निराकार है पर निर्गुण नहीं है, वो एक ईश्वरवादी है और निराकार। बाइबल में मोसेस कहता है मेक नो इमेजेस, मूर्तियां नहीं बनानी है, यू डिड नॉट सी हिम, आपने गॉड को देखा नहीं, सो इमेजेस मूर्तियां आर करप्शन ऑफ द माइंड, वो आप अपने दिमाग से उस भगवान को रूप देके आकृति देके बनाते हो, इसलिए वो झूठ है। वो ये उनकी संस्कृति है, ये उनकी संस्कृति, उससे वो पूरी तरह बच नहीं पाए, पर मूल आधार, इसलिए हम उनके दुश्मन हैं, क्योंकि हम और यूनानी, यूनान के लोग ये जो एब्राहमिक वर्ल्ड था उसके पास थे नेबर्स, वो कहते थे मूर्ति नहीं बनानी और यूनानी मूर्तियां बनाते थे, तो वहां से शुरू हमारी संस्कृति। इसलिए जब अंग्रेज यहाँ आए और राजा राममोहन रॉय जैसे पढ़े लिखे मतलब अपने देश के विरोधी, अपनी संस्कृति के विरोधी उनको मिल गए, तो उन्होंने अटैक शुरू किस चीज से किया, मूर्ति पूजा। और जो हमारे कस्टम्स हैं, कन्वेंशन हैं, जब हमारे जो समाज की रीतियां हैं, देखिए हमारी सभ्यता में अर्पण, समर्पण और तर्पण, और दूसरी तरफ उत्सव, उपवास और उपासना, और बेसिकली संस्कृति उत्सव की संस्कृति है। हर महीना नहीं निकलता कि यहाँ कुछ न कुछ सेलिब्रेट होता है। ये संस्कृति, ये अलग अनूठी संस्कृति है, उनसे बिल्कुल अलग, इसलिए हम उनके दुश्मन हैं।